आप नतीजे में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। आप नतीजे अगर आप देखेंगे कि आपको नतीजे वहाँ पर मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में गिरावट है, आपको दो सेगमेंट है वहाँ पर, क्योंकि अगर आप सेगमेंटल बाइफर्ग्रेशन देखेंगे वहाँ पे आपको थोड़ी स्टोरी दिखेगी, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और बैलेंस शीट देखेंगे तो वहाँ पे आपको शायद हो सकता है कि थोड़ी स्टोरी जो है वो जो बनती दिख रही है वो आपको दिखाई जाती हुई दिखे। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, आप क्यों देखिए, आप पिछला क्वार्टर देखिए, इसके पिछला क्वार्टर या फिर आप बायो देखिए, वो कंपनी जो है कस्टमर सपोर्ट सर्विस में इनको लॉस आता हुआ था, इस क्वार्टर में वो प्रॉफिट में आया, पर प्रोडक्ट्स जो सेगमेंट है वहाँ पर मार्जिन कम आया, तो ये वाला जो प्रॉफिट में आता हुआ दिखा वो दब गया उसमें। आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग देखेंगे, कंपनी ने 16 करोड़ का कैपेक्स किया है, जो आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी जो अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपको दिखता हुआ दिखेगा। अब ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो उन्होंने खर्चा किया है 16 करोड़ का, इसका जो बेनिफिट है, मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें ये आ रही है कि इसका जो बेनिफिट है, इसका बेनिफिट अब FY24 में जो है वो आपको आता हुआ दिखेगा। इसीलिए अगर आप देखें कि नतीजा अगर आप खराब आए उसके बावजूद भी आपको कोई बड़ी गिरावट यहाँ पर नहीं आती हुई दिखी, इसलिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बाय करेंगे, ड्यूरेशन रखेंगे 15 मंथ्स का और टारगेट रखेंगे 450 का।